Hi, कैसे हैं? So, hello, can I be? Yes. बहुत एक्साइटेड है यार. फिल्म फेयर से बहुत पुराना एसोसिएशन है और बचपन से फिल्म फेयर पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बड़े फैन है. एंड एवरी टाइम इट्स लॉट ऑफ फन व्हेनेवर वी अटेंड एनी फिल्म फेयर इवेंट. एंड दिस इज ऑफ कोर्स वी आर सेलिब्रेटिंग ग्लैमर एंड फैशन एंड स्टाइल. For me, it's about showing what you are, showing your own self, and without putting on, you know, too much effort on that. And I do nothing here. My stylist, they take care of it. So whatever they feel suits my personality, I just wear that. It's my wonderful stylist, Anisha. I think the whole credit goes to her. She has chosen this outfit for me. आई थिंक हार्शेस्ट पनिशमेंट पॉसिबल जो भी है हमारे लॉ में, सिर्फ वो ही वो लोग डिजर्व करते हैं, उसके नीचे कुछ भी नहीं. आई थिंक डेथ पेनल्टी इज द ओनली पेनल्टी आई, बिकॉज वी फील वेरी एंग्री अबाउट इट. एंड नो, आई हैव शेयर्ड माई फीलिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल. आई थिंक इट्स डेविस्टेटिंग वॉट हैपन्ड विद प्रियंका रेड्डी एंड सो मेनी गर्ल्स लाइक हर. लेकिन इट्स हाई टाइम हमको कुछ करना चाहिए, एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे लोगों के दिलों में डर पैदा हो, ऐसी किसी भी थॉट के आने से पहले भी. हम लोग राइट नाउ वी आर शूटिंग इन दिल्ली द वाइट टाइगर. मैं और प्रियंका, बहुत मज़ा आ रहा है. हमारे डायरेक्टर, पूरी टीम बहुत अच्छी है. रमीन बहरानी जो हमारे निर्देशक हैं, इज फिनोमिनल. एंड बोथ आदर्श एंड प्रियंका, दे आर वंडरफुल को एक्टर्स. And Priyanka is a dear friend now. I think she is very chilled out. जो उनका देसी गर्ल का जो टैग है वो बहुत सही है उनके लिए. I think she is full on देसी गर्ल. Thank you. Thank you. Thanks. मार्क पे 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 मार्क पे
आई थिंक फिल्म फेयर एक ऐसी जगह है जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और जो भी आई थिंक इस इंडस्ट्री में है उन सबका एक सपना है कि फिल्म फेयर ज़रूर अटेंड करें. सो मैं हमेशा एक्साइटेड होती हूँ, एंड दिस माई थर्ड टाइम व्हेन आई एम कमिंग फॉर दिस थाईलैंड ग्लैमर अवार्ड, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल दैट यू नो आई एम पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड आई कैन बी पार्ट ऑफ फिल्म फेयर. आई थिंक स्टाइल स्टेटमेंट आपका कॉन्फिडेंस होता है, जो आप पहनो वो आप कॉन्फिडेंटली पहनो. मेरा स्टाइल स्टेटमेंट वही है कि मैं जो पहनती हूँ वो कॉन्फिडेंटली पहनती हूँ. आई थिंक मैं ये जो आउटफिट है वो रुद्राक्ष का है, और आई थिंक मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड दिस कलर रियली मुझे बहुत, मैंने ये कलर पहना नहीं था तो आई थॉट ऑफ वेयरिंग दिस, दैट्स इट. बागी 3 अब बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है, अभी शूटिंग चल रही है हम लोगों की, काफ़ी शूटिंग हो रही है और सर्बिया में शूटिंग हो रही है. सो होपफुली आप लोगों को बहुत जल्दी बागी में मैं दिखूंगी और आप लोगों को डेफिनेटली मज़ा आएगा. आई थिंक टाइगर, श्रद्धा, रितेश, थ्री ऑफ देम वो अमेजिंग, और सबसे ज़्यादा जो अच्छे थे वो थे अहमद सर, मुझे उनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कोई लॉ नहीं होना चाहिए, जिन्होंने जो किया है इनको पूरी तरीके से पब्लिक में छोड़ दिया जाए, फिर अपने आप उसका डिसीजन होना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, बहुत लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ, और हम सब एक होकर इस चीज़ पर फैसला लें और इन्हें सज़ा दें, क्योंकि आगे ये ना हो और हमारी सबकी कहीं ना कहीं हमारी बेटी होगी, शायद मेरी बेटी होगी फ्यूचर में. मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए हर किसी को, और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, इसके लिए हमें एक बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए. दैट्स इट, थैंक यू. Thank you guys. Thank you so much. Excuse me.
Sorry? Oh, I'm really excited, very excited to be a part of this event tonight, and also I'm joined by some very good friends, some cool friends, and we're going to be performing, the only performance tonight, so we are excited and looking to put on a solid performance. Yeah. I'm always ready. I'm born ready. Ever ready. The champion and his team, always ready. So we're all ready to rock tonight and put on a good performance and look out for our song. Hanji. I think it's Filmfare Glam Awards, and I think all the glam I feel is all within. Or aapki personality and everything is your style, or I feel everybody is truly dressed to what they feel their personality is, and I'm very happy to be here with this amazing team and with Bravo, with Rimi and with Gaurav.
आज हम परफॉर्म करने वाले हैं. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैब. द सॉन्ग यू व्हाट आई थिंक दैट्स माय सेफ जोन. जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. बाकी ये सब मुझे बहुत ही नर्वस कर देता है. बाकी जब स्टेज पे होते हैं आई एम एट होम. आई फील यू शुड फील वेरी कम्फर्टेबल. यू शुड फील वेरी हैप्पी इन हु यू आर एंड यू शुड ड्रेस द वे यू लाइक एंड नॉट फॉलो एनीबडी. एंड या सबसे ज़्यादा है कि यू शुड फील कम्फर्टेबल एंड इट शुड बी यू. Thank you.